डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक यदि आप सीयू टीयर हो रहे हैं तो आपको बधाई क्योंकि आप लैंड कर चुके हैं एक ऐसे पे, एक ऐसे साइट पे ऐसे चैनल पे जो आपके साथ बना रहेगा कई सालों तक ना ही केवल आपके अंडर ग्रेजुएट लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद भी यूजीसी नेट एंड उसके बाद भी एक लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी के आप मेंबर बनने जा रहे हैं ऐसी मेरी आशा है और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जो यूजी या पीजी या यूजीसी नेट या और कोई कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं और मेरे कम्युनिटी मेंबर के पार्ट हैं तो आपसे अनुरोध है कि अभी भी बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं क्लास ट्वेल्व के कि उनके लिए पॉल साइंस हेल्प लेकर के आ रहा है बेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो उनको यूजीसी सॉरी यूजी में बहुत हेल्प होने वाला है और ये वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है कोई इसमें बोस्टिंग नहीं है कोई घमंड नहीं है ये मैटर ऑफ फैक्ट है आप जानते हैं यदि आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो तो चलिए हम शुरू करते हैं आज पॉलिटिक्स ऑफ प्लैंड डेवलपमेंट ये इंडियन पॉलिटी जो सेक्शन है आपको दो पार्ट पढ़ने एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटी उसका जो है थर्ड चैप्टर है इस पे हम लोग 30 से 35, 30 से 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने की पूरी पूरी संभावना आपके एग्जाम में है सो अस बिगिन इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू करें, डियर स्टूडेंट ये चैप्टर का बैकग्राउंड समझिए आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा इंडियन पॉलिटी में कि तीन चैलेंजेस जो हैं वो जब हमारा देश आजाद हुआ तो था एक था कि नेशन बिल्डिंग का मतलब यूनिटी इंटीग्रिटी कैसे अक्षुण रखी जाए पांच सौ रियासतें थी और कैसे उसको मिलाया जाए एक कंट्री बनाया जाए मतलब यूनिटी सेकंड था कि डेमोक्रेसी को कैसे जो है डिपेन किया जाए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाए उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए तीसरी जो थी वो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और साथ में सोशल जस्टिस भी हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्विटी के साथ वो ये चैप्टर उस तीसरे चैलेंज को डिस्कस करता है इंडिया ने क्या किया इंडिया ने मिक्स्ड अपनाया ना तो वो कैपिटलिज्म तरफ गया जो यूएसए और वेस्टर्न यूरोप उस समय में कर रहे थे और ना ही वो पूरी तरह सोशलिस्ट कंट्री हुआ जो चाइना रसिया एंड अदर ईस्टर्न ब्लॉक नेशन कर रहे थे उसने बीच का रास्ता अपनाया जिसको कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं नेहरू जी ने वो उसको अपनाया और उसके बाद इन्होंने प्लानिंग प्रोसेस इंडिया ने किया, of course, USSR या रसिया से, और उसका क्या हसर हुआ उससे क्या हमें हासिल हुआ क्या कमी रही और उसके अंदर की जो बातें हैं वही एमसीक्यू में झलकती है सो लेटेस्ट बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन है देर वॉज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो मैं आपको कह रहा हूँ यही थर्ड चैलेंज थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो लेकिन इक्विटी भी लॉस ना हो इक्विटी मतलब क्या होता है इक्वल शुड भी ट्रीटेड

कि इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल नहीं अपनाया कैपिटलिस्ट नहीं अपनाया कम्युनिस्ट मॉडल नहीं अपनाया इंडिया ने मिक्स्ड मॉडल अपनाया मिक्स्ड मॉडल क्या था कि ये थर्ड वे था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में तीसरा जहां पे कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने ऑपरेट करने दिया लेकिन बहुत सारे वाइटल जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के थे सेक्टर लाइक एनर्जी है रोड है ट्रांसपोर्ट है एंड मेनी अदर उसमें पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट ओन्ड जो कंपनी है वो आगे आई और स्टेट ने उसमें हेल्प किया इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में और बेसिक इंडस्ट्री को बनाने में वॉट इज लेफ्टिस्ट और लेफ्ट व्यू ऑफ आइडियोलॉजी ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपकी किताब में लेफ्ट और राइट का जो है वो वर्णन है देखिये ये तो आइडियोलॉजी तो आगे आप अंडर ग्रेजुएट में पढ़ेंगे लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो एक सेंटर तो है ही सेंटर सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी जिसको मिक्सड इकोनॉमी कह सकते हैं एक जो है लेफ्ट आइडियोलॉजी है और एक राइट right आइडियोलॉजी है इकोनॉमी में ये सोशल में समझिए दो सोशल में अलग हो जाता है लेफ्ट जो है वो चली जाती है कम्युनिज्म या सोशलिज्म की तरफ और राइट right जो है वो चली जाती है एक तरह से कैपिटलिज्म की तरफ फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ तो लेफ्ट व्यू क्या है कि लेफ्ट व्यू यह है कि लेफ्ट रेफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विद सोशल इक्विटी एंड जस्टिस यही लेफ्ट का कहना है जो इंडिया ने किया वो लगभग लेफ्ट जैसा था सेंटर टू लेफ्ट कही कांग्रेस जो है कांग्रेस जो है वो सेंटर टू लेफ्ट पार्टी थी बहुत लेफ्टिस्ट नहीं थी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी लेकिन फिर भी ये लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ थोड़ा लीन था अब हम लोग तो कहें तो सेंटर टू राइट टाइप के हम लोग आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं अभी बीजेपी को आप सेंटर टू राइट पार्टी कर सकते हैं कांग्रेस को आप सेंटर टू लेफ्ट पार्टी कर सकते हैं तो इस तरह से अभी थोड़ी सी ज्यादा हम फ्री मार्केट वैसे तो कांग्रेस भी काफी फ्री मार्केट इकोनॉमी अपने आपको पता है कि नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लिया लेकिन आइडियोलॉजी में भी आप देखेंगे तो कांग्रेस सेंटर टू लेफ्ट पार्टी है सो so ये सही है, बाकी को पढ़ लीजिएगा वो सही नहीं है लेफ्ट मतलब नहीं है. नहीं होता है. जो है होता है. कहा जा सकता है लेकिन पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट है. चाहते हैं है. वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट के द्वारा चाहते हैं लेफ्ट रेफर्स टू दोज अपोज एवरी पॉलिसी तो ऐसे ही मैंने लिखा है यहां पे मैं आपको एक डिक्लेयर कर दूं कि ये वीडियो बनाने में पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के एक मेंबर मिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने कि बेसिकली ये क्वेश्चन को मेरे डायरेक्शन में फ्रेम किया है मैंने इसको मॉडरेट किया है व्हाट इज राइटिस्ट राइट व्यू ऑफ आइडियोलॉजी इन इकोनॉमिक मैटर अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक लेफ्ट है एक राइट right है जैसे बीजेपी को आप सेंटर टू राइट पार्टी कर सकते हैं पहले के समय में स्वतंत्र पार्टी जो थी जो जिसके की फर्स्ट गवर्नर जनरल जनरल जो थे इंडिया के राज गोपालाचारी वो मतलब उनके जो है प्रेसिडेंट थे स्वतंत्र पार्टी के तो स्वतंत्र पार्टी जो है वो एकदम राइटिस्ट पार्टी का है। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट का बिल्कुल जो है लेसेज फेयर या नॉन इंटरवेंसनिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए तो राइट right व्यू यदि आप देखेंगे इसमें से तो राइट व्यू रेफर टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन कभी नहीं होगा राइट टू दोज हु डू कम्युनल पॉलिटिक्स गलत है ये बात राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी ए लोन इन्श्योर प्रोग्रेस एंड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरली इंटरवीन इन द इकनॉमी मतलब कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी के पछड़े में नहीं पड़ना है मतलब इसको फेयर गवर्नमेंट फ्रेंच में फेयर वर्ड है, मतलब इकोनॉमी में टांग नहीं आरानी है जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है मार्केट को इकोनॉमी करने दो प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी हैंडल करने दो उस टाइप की जो व्यू होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी रखो ऐसी पॉलिसी बनाओ कि अधिक से अधिक फ्री मतलब इन्वेस्टमेंट हो प्राइवेट सेक्टर आगे आए और फ्रीली कंपिटिशन करे ये राइट व्यू है वॉट इज डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक इतना कंट्रोवर्सियल टर्म है डियर स्टूडेंट की उस उसपे तो पूरी लेक्चर ली जा सकती है लेकिन यहां पे जो पहला लिखा है सबसे अच्छा है कि डेवलपमेंट इज ए कंटेस्टेड आइडिया इसका एक मीनिंग नहीं है कोई इसको जो है कहता है मॉडर्नाइजेशन कोई कहता है वेस्टर्नाइजेशन कोई कहता है ग्रोथ कोई कहता है प्रोग्रेस कोई कहता है मतलब अच्छा हो जाना प्रोग्रेस टुवर्ड्स बेटरमेंट जो भी कह लीजिए लेकिन डेवलपमेंट जो है कोई इसको मोरल डेवलपमेंट से जोड़ता है कोई इकोनॉमिक से डेवलपमेंट से कोई फ्लरिशमेंट से जोड़ता है कोई हैप्पीनेस से जोड़ता है लेकिन डेवलपमेंट का कोई एक मायने नहीं है डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल डेवलपमेंट है डेवलपमेंट केवल वेस्टर्नाइजेशन नहीं है मॉडर्नाइजेशन नहीं है डेवलपमेंट केवल जो है इंडस्ट्री सेट करना डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है डेवलपमेंट Develop, को एक शब्द में कहिए तो डेवलपमेंट जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसा जाना कि वो स्टेट अच्छा हो पहले के मुकाबले में तो ये डेवलपमेंट है चाहे वो अच्छा मेटेरियल वे में हो चाहे वो ह्यूमन रिलेशन में हो समाज में शांति में हो हारमनी में हो प्रॉस्पेरिटी में हो चाहे वैल्यू में हो हैप्पीनेस में हो लेकिन वो बेटर यदि स्टेट में जाती है मतलब एक एक कम बेहतर स्टेट से बेहतर स्टेट में जब हम पहुंचते हैं तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट है कंट्री के लिए डेवलपमेंट है मतलब मोटा मोटा वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमओयू आपके बुक में है एमओयू जो है आपको आगे काफी जरूरत पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बीच में एमओयू होता है दो कंपनी के बीच में एमओयू होती है एमओ एक तरह का करार है किसी काम के लिए दो पार्टियों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं जब दो पार्टी अंडरस्टैंड कर लेते हैं जैसे मान लीजिए कि बजाज ने मान लीजिए हीरो होंडा के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि मिलके हम स्कूटर बनाएंगे होंडा जो है वो टेक्नोलॉजी देगा बजाज जो है प्रोड्यूस करेगा बजाज मार्केटिंग करेगा लाइक like दैट

आर्टिकल यदि आप देखेंगे तो शायद थर्टी फाइव से लेकर के और फिफ्टी वन तक तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसमें कि तमाम तरह के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइवलीहुड होगा और वर्कर्स को ये राइट right मिलेंगे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा वर्किंग कंडीशन अच्छी रहेगी एंड कई कई चीजें जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है तो DPSB, What is planning in the context of country? किसी भी country के context में planning का क्या मतलब होता है? Planning जो है कि मतलब एक blueprint की कैसे economic development हो, एक सुलझे हुए तरीके से, एक fix तरीके से जो सब चीज पहले से तय हो. So planning is a process and framework for better होगा, better utilization of capital, economic, human resources of a country. तो so, सबसे अच्छा यही है, एक तरह का blueprint है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट ब्लू प्रिंट की कहाँ से पैसा आएगा यदि पैसा आएगा तो किस किस सेक्टर में किस किस तरह से एलोकेट होगा और उस एलोकेशन से वो सेक्टर किस तरह कहां पे पहुंचेगा मान लीजिए एग्रीकल्चर में हम दस हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा यदि हम इंडस्ट्री में करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा ये ब्लू को हम प्लानिंग कहते हैं Which of the following is false about the Bombay Plan? Bombay Plan Planning बहुत important आपके text में इसे question पूछा जा सकता है इसे तो सभी important है इसमें Bombay Plan जो a precursor था planning uh, commission जो बनी थी या planning process का precursor का मतलब होता है जो पहले आता है और दिशा दिखाता है बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीस्ट जो बॉम्बे में बैठे बॉम्बे तो इंडस्ट्रियल हब है कैपिटल है इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया का और उन्होंने सरप्राइजिंगली आपको लगेगा कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्लीज प्लान करो आप इंटरवीन करो इकोनॉमी में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और हम प्राइवेट सेक्टर आपके साथ में है तो इसलिए इसमें जो बातें सही है वो है कि बॉम्बे प्लान वाज ड्राफ्टेड इन 1944 सही है ए सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज ट टुगेदर एंड ड्राफ्टेड ए ज्वाइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ए प्लान इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ये सही है बॉम्बे प्लान वॉन्टेड स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अर इकोनॉमिक स्टेटमेंट बॉम्बे प्लान रिकॉमेंडेड फ्री मार्केट इकोनॉमी विदाउट स्टेट इंटरवेंशन ये गलत है इन्होंने जो स्टेट इंटरवेंशन को प्रमोट किया था तो इसीलिए ये बात इसमें सही नहीं है इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम लोग सबसे बाद में देखेंगे जो आपके NCRT बुक से लिया गया है है ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट नीति नीति आयोग आयोग आपको पता है कि अभी आयोग है, पहले वो प्लानिंग कमीशन कहलाती थी उसका नया अवतार है तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक तरह का पॉलिसी थिंक टैंक है विद प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं और वाइस चेयरपर्सन इसके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं

इज uh, रॉन्ग पूछ रहा है इसलिए यही सही ऑप्शन है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपको नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन का जिक्र नहीं मिलेगा ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है मतलब कोई एक्ट से भी नहीं बनी है सिंपली गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से बनी हुई है सो इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर ए इंस्टीट्यूशनल बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी ये इंपॉर्टेंट है जब आप यूजी में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन जो नेहरू जी ने बनाया था उसके बारे में देखिए एक स्टेटमेंट गलत होगा तीन सही होगी प्लानिंग कमीशन आल्सो नोन एज योजना आयोग वाज ऑन 15 मार्च 1950 जस्ट आजादी के तीन साल के भी पहले बन गया और इसके प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते थे और वाइस चेयरमैन जो है कोई जो जो वो एक्सक्यूटिव हेड होते थे इट्स मेन पर्प वॉज टू प्लान बैलेंस्ड एंड मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री सही है इट्स यूज फॉर प्लानिंग वॉज फाइव इन

तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बारे में इसमें से कौन सा रॉन्ग है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ड्यूरेशन इक्यावन से छप्पन तक था ये तो बिल्कुल सही है के एन राज इसके चीफ आर्किटेक्ट थे इकोनॉमी जिन्होंने ले डाउन किया था राफ्ट ड्राफ्ट का ड्राफ्ट प्लान बनाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो ये सही स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर इरिगेशन इसका मेन फोकस था फर्स्ट फाइव प्लान का भाखरा नांगल डैम इसी के समय इसी प्लान के तहत बना था ये भी सही है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम बाय लिमिटिंग द स्पेंडिंग इसमें सेविंग को बढ़ाना था नेशनल सेविंग को तो खर्चे को कम करना था तो फोर्थ तो अपने आप गलत हो गया लेकिन क्या है पढ़ लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट फाइवियर नो नहीं बल्कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो है प्राइम फोकस था फर्स्ट ईयर प्लान का इसलिए ये गलत विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट नंबरिंग हो सकता है डियर स्टूडेंट गलत हो उसको मत ध्यान दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी आपने देखा कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का पैटर्न अपनाया तो उसमें से तीन स्टेटमेंट सही है चौथा गलत है इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ नेहरू फेवर्ड दिस मॉडल उन्हीं का तो लाया हुआ था नेहरू जी का इट वॉज क्रिटिसाइज बाई राइट आइडियोलॉजी लीडर लाइक सी राजा गोपाल आचारी जो की स्वतंत्र पार्टी जो की राइटिस्ट पार्टी थी उसके मतलब

इंडिया एडॉप्टेड फाइव ईयर प्लान फ्रॉम विच कंट्री ये बड़ा ही एक फैक्चुअल है जो कि आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है बेसिकली हमने इसको चाइना या यूगोस्लाविया या जापान सबसे नहीं अपनाया था हमने रसिया या यूएसएसआर या ईस्टर्न ब्लॉक नेशन जो थे बेसिकली रसिया यूएसएसआर से वहां पर भी पांच साल का प्लानिंग होता था और वहां बहुत चमत्कार हुआ था उससे उसको देख के नेहरू जी ने इंडिया में भी पांच साल का प्लानिंग पीरियड अपनाया

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ़ इंडिया के चेयरपर्सन थे चीफ स्टैटिशियन थे बहुत उनका टेन ईयर था इसका फोकस क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था क्विक इंडस्ट्रलाइजेशन था इन्वेस्टमेंट हेवी इंडस्ट्री में करना था जैसे मशीन टूल्स एंड बड़े बड़े मशीन बनाना एंड एग्रीकल्चर का बड़ा बड़ा इक्विपमेंट बनाना और

जो डिसेंट्रलाइज जो डेवलपमेंट था गांधी जी मॉडल उसको हम त्याग रहे हैं सब बुराई की गई थी एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ सेवरल पीएसयू ये भी हुआ काफी सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट खोले गए इस सेकंड फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर वाज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन सेकंड ईयर नो एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं कम इंपॉर्टेंस दी गई थी सेकेंड फाइव ईयर प्लान में इसलिए ये गलत है इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस इट वॉज डिक्लेयर दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट वॉज इट्स गोल कांग्रेस ने एकदम ऑफिशियली अपना लिया कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमारा गोल है और वो इन्होंने इसमें 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 नहीं अपनाया था बॉम्बे लाहौर कराची इन्होंने अवधि सेशन अवधि जो है वो मद्रास के पास में एक शहर है वहां पे जो सेशन हुआ था उसमें इन्होंने अपना ये नाइनटीन फिफ्टी में हुआ था चेक कर लीजिएगा फिफ्टीज मिड फिफ्टीज में हुआ था इसका डेट भी होता आपसे पूछा जाए चेक कर लीजिएगा मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इसलिए चेक कर लीजिए When India faced break या plan holiday और adopted rolling plans instead of असल में एक समय ऐसा आया कि देश में अकाल जैसा पड़ गया प्लानिंग से लोगों का एक तरह से मन उचाट हो गया प्लानिंग से कोई खास फायदा नहीं दिख रहा था फूड क्राइसिस हो गई थी लोग तड़प रहे थे मतलब खाने खाने को अकाल पड़ा हुआ था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा ठीक से नहीं हो रहा था उस समय प्लानिंग को रोक दिया गया फाइबर प्लान को और तीन साल तक एक एक साल का प्लान किया गया था वो पीरियड था उन्नीस से उन्नीस सौ इसको प्लान होलीडे का था एक तरह से छुट्टी ले ली गई थी फिर तो फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो है उन्नीस से लॉन्च हुआ सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए द द बजट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू ये तो अब क्वेश्चन ये बेमानी हो गया लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ है कि बजट जो है ना उसका सॉरी जो जो बजट होता था जो कि प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एनुअल बजट बनाई जाती है अभी बनाई जाती है उसका दो पार्ट होता था प्लान बजट और नॉन प्लान बजट तो प्लान बजट जो है वो था जो प्लानिंग कमीशन जो पैसे एलोकेट करती थी ब्लू प्रिंट के तहत वो जो बजट में पैसे लगते थे वो प्लान बजट थी सॉरी प्लान बजट थी और जो प्लानिंग कमीशन के इतर जो पैसे दिए जाते थे मिनिस्ट्री को जो कि प्लान के प्रोसेस का पार्ट नहीं था उसको नॉन प्लान बजट बोलते थे अब जब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गई तो 2015 से ये दोनों बजट मर्ज हो गया अब कोई प्लान या नॉन प्लान बजट नहीं होती है क्योंकि कोई प्लानिंग इंडिया में उस टाइप का है ही नहीं इंडिया में फाइव ईयर प्लान खत्म हो चुकी है इसीलिए बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग से मैच रॉन्ग सही नहीं है तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो सही है इक्यावन से छप्पन सेकेंड फाइव ईयर प्लान आपको पता है फिफ्टी सिक्स सिक्सटी वन लेकिन थर्ड फाइव ईयर प्लान भी सही है लेकिन उसके बाद सही नहीं क्योंकि उसके बाद जो है आपको पता है कि नाइनटीन सिक्सटी सिक्स से

तो ये बुक को लिखने वाले वो थे जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी एडवोकेट करते थे जेसी कुमारप्पा जेसी कुमारप्पा व्हिच इज नॉट वन ऑफ द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया इन द अर्ली इयर्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस जब दो फाइव ईयर प्लान हो गया तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी निकले डायकोटमी कह सकते हैं कि ए वर्सेस बी ये होना चाहिए ये होना चाहिए उसमें से पहला था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री कि हमें इंडिया में किस पर फोकस करना चाहिए अर्बन बेस्ड फास्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और in होगा या प्राइवेट सेक्टर को हम करें उनकी कैपेसिटी को उनके उनका जो ऑंटरप्रेनशिप जो है उसको अनलीज करें इस पर काफी बहस होती थी टॉप डाउन प्लान हो प्लानिंग प्रोसेस हो जैसा कि प्लानिंग

और इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ये थे जेसी कुमारप्पा और चौधरी चरण सिंह जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह बहुत ही बड़े जो हैं वो फार्मर लीडर भी थे तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया तो ये तो एक चलिए बहुत ही बच्चे टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको पता है रोड लर्निंग में पूछा जाता है भाखड़ा नंगल डैम जो फर्स्ट

इन्फेंट मोर्टैलिटी लो बर्थ रेट एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर इन सब पे फोकस नहीं किया कि ह्यूमन रिसोर्स को यदि हम जो जो अमृत सेन कहते हैं कि कैपेबिलिटी पुअर इसलिए पुअर नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है पुअर इसलिए पैसे है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है अर्न करने की और क्यों कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि उनका हेल्थ अच्छा नहीं है उनको एजुकेशन नहीं मिला है और उनको एक्सेस नहीं है मार्केट का या जो बिजनेस वर्ल्ड है या जो अपॉर्चुनिटी का वर्ल्ड है उसमें उनको एक्सेस नहीं है तो इसीलिए इट वॉज कंसिडर्ड ए सक्सेसफुल मॉडल तो तो ये भी सही है तो चलिए इसको इसको जो है इसको कह देते हैं हम नॉट चलिए क्वेश्चन बना रहे इट वॉज नॉट कंसिडर्ड ए सक्सेसफुल मॉडल तो ये गलत हो जाएगा सॉरी इस तरह की हरबड़ी में होती है आसपोस ने बनाया है फिर मैंने मॉडरेट किया है लेकिन आप आराम से इस तरह क्वेश्चन को खुद भी फ्रेम कर सकते हैं बस मेन बात है कि आपको केरला मॉडल के बारे में जानना है कि ये डिसेंट्रलाइज था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बेस्ड था और इन सब ह्यूमन रिसोर्स के फैक्टर पे इसने काम किया इसलिए ये सक्सेसफुल मॉडल कहला इट इज रॉन्ग टू से इट नॉट सक्सेसफुल फूड in in क्राइसिस अकाल जैसा पड़ गया था, उसके चलते ही जो है एक तरह से प्लान होल्डर ली गई थी उसके बारे में एक रॉन्ग है एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैट टू वर्स इन bad सिक्सटीज बिटवीन नाइनटीन सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी सेवन सीवियर ड्राउट अकर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री बहुत जगह जो है अकाल पड़ गया सूखा पड़ गया इन बिहार सबसे बदतर हालत हो गई थी और वहां पे जो है नियर एकदम अकाल लगभग अकाल की सिचुएशन थी गवर्नमेंट मतलब एडॉप्टेड एक, एक जोन घेर दिया कि यहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बाहर नहीं जाएगा जिससे एटलीस्ट लोग भूखे ना मरे ऐसा ना हो कि मतलब जिसके पास पैसा हो वो खरीद ले दूसरे रीजन के लोग एटलीस्ट उस रीजन के लोग जिंदा रह सके तो प्रोविड फूड रेट इन दिस सिचुएशन पुअर सेक्शन सफर द मोस्ट जोनिंग से बहुत सारा लॉस भी हुआ क्योंकि फूड जहां जा सकता था वहां नहीं जा पाया प्राइस उसके बढ़ गए फूड क्राइसिस वाज रिजल्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान ये कहना एक क्रूड और आउटलेंडिस स्टेटमेंट होगा मतलब कि ऐसा कहना एक तरह सही नहीं है कि बस प्लानिंग के चलते ऐसा हो गया बहुत सारे फैक्टर थे प्लानिंग भी उसमें से एक हो सकता है कि रॉन्ग तरीके से इंप्लीमेंट हुआ लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्लानिंग ही उसका सोल रीजन था फूड क्राइसिस का विच कंट्री प्रोवाइडेड एड टू इंडिया इन फूड क्राइसिस सरप्राइजिंगली हम झुके हुए थे लेफ्ट की तरफ लेकिन हमें हमें हेल्प मिला फूड में यूएसए से यूएसए उस समय एक स्कीम चलाता था उसका नाम था पी 480 वहां पे एक एक्ट था कांग्रेस कांग्रेस का Congress उसके, उसके तहत जो है डेवलपिंग कंट्री को फूड जो है या एग्रीकल्चर गेहूं और ये सब सप्लाई बहुत सस्ते रेट पे लॉन्ग टर्म बहुत सस्ते रेट पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया जाता था वैसे आप ये मत समझिए कि अमेरिका ये कोई फ्री में करता था उसको उस समय में इंडिया जैसे कंट्री की आइडियोलॉजिकली और कोल्ड वॉर के टाइम में अपने कैंप में लाने का एक आ, ए, ए, एक एक तरह का उनका पर्पस था एम था कि वो रसिया या यूएसएसआर की तरफ झुक ना जाए उसके तहत ये फूड का हेल्प उन्होंने किया था 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट लैंड लैंड रिफॉर्म रिफॉर्म इन इंडिया एक बहुत टची इशू है इंडिया में इसको नेहरू जी लेकर के फिफ्टीज में ही आए थे आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था जो कि उन्नीस उन्नीस सौ में ही हुआ उसको ही उसमें ही जो है 1950 में उसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट को डाल दिया गया था नाइन्थ शेड्यूल में एक नाइन्थ शेड्यूल बनाया गया कि उसमें कोई भी एक्ट डाला जाएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा लैंड रिफॉर्म क्या था बेसिकली जो यहाँ पढ़िए इट एबोलिज द कॉलोनियल सिस्टम जमींदारी जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया तो उसमें जमींदार के अंडर में जितने भी खेत थे उनको जो उसके एक्चुअल टीलर थे उसको देने की बात थी कंसोलिडेशन ब्रिंगिंग टूगेदर स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड बहुत सारे लैंड हमार, लैं हमारे फ्रेगमेंटेड था उसको जोड़ने का काम था एक आदमी के पास कितना लैंड होगा इसकी सीलिंग लगाई गई और बाकी को जो है गरीबों में बांटने और का भी प्लान था कलेक्टिव फार्मिंग अंडर गवर्नमेंट्स गाइडेंस नहीं था ये तो चाइना और रसिया में होता था इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट तो देखिए लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि था बहुत अच्छा लैंड रिफॉर्म्स है अधिकतर जो थे वो एक पायस इन ए, 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 एक मतलब एक पवित्र काम था इसमें भावे भी लगे भूदान आंदोलन चलाया लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो जमींदार थे लैंड ओनर्स थे वो इतने स्ट्रांग थे वो लोग कोर्ट में चले गए राइट टू प्रॉपर्टी को हथियार बना के क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तो गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे आ गई और जब तक फंडामेंटल राइट right रहा उसको फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से नाइनटीन सेवेंटी एट में राइट टू प्रोपर्टी को फंडामेंटल राइट right से हटा करके आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में डाला गया और उसको मेयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और लैंड रिफॉर्म एक तरह से फेल कर दिया इन जमींदार और लैंड ओनर्स ने विच ऑफ द फॉलोइंग एज फॉल्स अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन आपको पता है नाइनटीन सिक्सटी सेवन में एक तरह से चमत्कार हुआ जब हम फूड क्राइसिस में थे तो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड सीड जो कि बहुत पानी चाहिए होता था बहुत खाद चाहिए होता था और सीड को एंड बहुत जगह से लाया गया था

एक गलत है तीन सही है उसको ग्रीन कहा गया। स्टेट लैगिंग बिहाइंड लाइक बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फोकस किया उस एरिया पे जो पहले ही एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग थे जल्दी से रिजल्ट दे सकें वो था पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सो गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन इरीगेशन रेडी एरिया फॉर फूड फास्ट राइज इन फूड प्रोडक्टिविटी और हुआ भी स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बेनिफिटेड हुए इस पॉलिसी से उसने एक तरह का खाई भी क्रिएट कर दिया वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट में इनकम का भी जो है इन हो गया बिहार और बंगाल और उड़ीसा से लाखों मजदूर पंजाब हरियाणा में काम करने गए तो एक समाज में भी एक क्रिएट हुई और बाद में उससे जो है एक तरह का नक्सलाइट मूवमेंट भी शुरू हुआ पीजेंट मूवमेंट भी कि हम क्यों इतने गरीब हैं और कुछ लोग क्यों इतने अमीर हैं ग्रीन रिवोल्यूशन हेल्प इक्वलाइज द फार्म इनकम नो उल्टा था इसने और इनइक्वलाइज कर दिया मतलब फार्म इनकम जो है इनइक्वल हो गया सो so, यही गलत है सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग

यूनियन कुछ इस टाइप का है आप पढ़ सकते हैं अमूल जो है मतलब क्या होता है एक फुल नेम का एक एक वर्ड एक एक, एक लेटर को लेके जो बनाया था उसको अमूल तो अमूल इज ए डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट सही है ये मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन बन गया ये स्परिंग इस मतलब इसने इसको बहुत बढ़ावा दिया व्हाट हैज कम टू बी नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन और अमूल बहुत योगदान दिया व्हाइट अब तो सुधा मदर डेयरी और कई कई ऐसे जो है डेरीज uh, बन गए हैं मतलब हर राज्य में अब जो है अपना मिल्क uh, कोऑपरेटिव है और और वो मिल करके दूध को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं पनीर बनाते हैं बटर बनाते हैं आइसक्रीम बनाते हैं तो ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसने पूरी धारा ही बदल दी मिल्क इंडस्ट्री की और एक सक्सेस स्टोरी हो गया मिल्क कोऑपरेटिव वर्क अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट नो 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 मिल्क कोऑपरेटिव बिल्कुल इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है इसलिए ये रॉन्ग है ज मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गिस कुरियन को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने की मिल्क एक तरह से धारा बहाने में हेल्प की जैसे कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हम श्रीधरण को कहते हैं है। इनको काफी सारे अवार्ड भी एट विच ग्रोथ रेट इंडिया डेवलप बिटवीन नाइनटीन सिक्सटी एंड नाइनटी एट्टी ये बड़ा दुखद है कि हम लोगों का जो ग्रोथ है बहुत स्लो रहा तीन से साढ़े तीन परसेंट इसको राज कृष्णा नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसका मजाक बनाया इसको कहा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और इसको धर्मशाला मॉडल ऑफ इकोनॉमी कहा मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग जो हिंदू हिंदू रिलीजियन या संस्कृति में क्या है कि हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करना है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना है मटेरियल प्रोग्रेस नहीं करना है तो उसी रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं तीन से साढ़े तीन परसेंट तो इसको आप याद इस तरह से रखते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मजाक में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच रॉन्ग चरण सिंह फार्मर लीडर थे पीसी माहर प्लान के आर्किटेक्ट थे इंडस बिहार से जुड़ा हुआ है, और परेशानी हुई कुरियन, मिल्क इंडिया, मिल्क राज थे, प्लान, प्लानिंग कमीशन आशीष ने बार बार लिखा है इसको फाइव ईयर प्लान चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान अमूल जो है एक मिल्क कोऑपरेटिव है गुजरात बेस्ड और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है पंजाब हरियाणा और Western, Western, उत्तर प्रदेश है, है, है इसीलिए गलत मैच बाकी को बिल्कुल याद कर लीजिए। जो जो हम हम हमारी planning process हुई, 80 तक की बात है थी हम करें आपका किताब जो कहता है। उसमें बहुत सारी कमियां थी क्या क्या, क्या कमियां थी लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ आपने देखा कि जमींदार और लैंड ओनर ने राइट टू प्रॉपर्टी के बहाने पूरा अटका दिया कोर्ट में लीगल व्यू लेकर के इंक्रीज इन रीजनल एंड क्लास इनिक्वलिटी आपने देखा कैसे जो है वेस्ट जो है आगे बढ़ गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब और ईस्ट जो है इंडिया पीछे रह गया एक, बहुत तरीके से ना केवल एग्रीकल्चर में बट इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट हुआ नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी पॉवर्टी ज्यादा नहीं घटी स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखा तीन से साढ़े तीन परसेंट इंडिया कुड नॉट डेवलप इंडस्ट्रियल बेस एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नो इंडिया ने डेवलप किया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया बेसिक इंडस्ट्री भी डेवलप किया ये हमारी जो है कमजोरी नहीं थी इसलिए इसको

के प्रीएम्बल में लिखवा दिया सोशलिस्ट और सेकुलर अब हम बिल्कुल सोशलिस्ट पैटर्न को अपना लिए ड्यू टू इनएफिशिएंसी करप्शन एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर लेड इकोनॉमी पीपल लॉस्ट फेथ इन प्लानिंग प्रोसेस लोगों को लगा खासकर गरीब लोगों को कि प्लानिंग चोचला है दिल्ली में बैठे कुछ इकोनॉमिस्ट का कुछ इंटलेक्चुअल इंपॉर्टेंस फाइनल स्टेटमेंट देखिए जो रॉन्ग है इंडिया एडोप्टेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ओनली आफ्टर नाइनटीन नाइनटी वन नहीं नाइनटीन नाइनटी वन में तो बिग बैंग एल पी जी हुआ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजन ग्लोबलाइजेशन लेकिन 1980 से ही इंदिरा गांधी के ही नेतृत्व में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया लाइसेंस परमिट राज को कम से कम करते चले गए तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1980 से शुरू हुई ना कि 1991 से इसलिए यह गलत है अब लास्ट में लास्ट स्लाइड में हमने एनसीआरटी के कुछ क्वेश्चन लिए जो बहुत अच्छे हैं इनफैक्ट ये क्वेश्चन को आपको गौर से देखना चाहिए क्योंकि सी यू यूजी में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है आशीष ने मेरे डायरेक्शन में फ्रेम किया है इस वीडियो में फर्स्ट है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट देखिए एक ही स्टेटमेंट इनकरेट है इट वॉज ए ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर सही है इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री नो 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 उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दो स्टेट उसको टेक ओवर कर ले नो no, उनका कहना था कि प्राइवेट सेक्टर रहेगी क्योंकि बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था वो क्यों कहेंगे कि सारे मेरे इंडस्ट्री को हड़प लो तो ये गलत था इट वॉज मेड बाय समीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इन मुंबई इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग प्रोसेस सही है तो ये तीनों याद कर लीजिए ये गलत है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसी जो शुरू शुरू में जो हमारी प्लान डेवलपमेंट उसमें कौन सा जो टर्म है वो नहीं था प्लानिंग था कोऑपरेटिव फार्मिंग था लिबरलाइजेशन नहीं था सॉरी एंड सेल्फ सफिशेंसी था मतलब आत्मनिर्भर होना लिबरलाइजेशन तो 1980 से शुरू हुआ इसीलिए ये गलत है लिबरलाइजेशन नहीं था द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया

सोवियत ब्लॉक कंट्री से तो ये ए एंड बी जो है मेरे हिसाब से सही होगा सो ओके डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैं एक सुझाव आपको दूंगा जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आ रहे हैं जैसे ये वीडियो है ना इसको कम से कम पांच छह बार देखिए पहली बार जो है आप इसको पूरा फुल देखिए पॉज कर करके देखिए गेस करिए फिर देखिए सर क्या ठीक मार रहे हैं दूसरी बार बहुत तेजी से देखिए तीसरी बार और तेजी से इसमें ना YouTube में फीचर होता है आप उसको डेढ़ गुना स्पीड से देख सकते हैं दो गुना ढाई गुना तो आप एकदम तेजी से देखिए लास्ट में तो आप पांच मिनट में देख सकते हैं तब आपके दिमाग में बनेगा और फिर नोट भी बनाइए कि सर ने ये लिखा है ये है ये डेट है ये है बॉम्बे प्लान क्या है इसमें क्या फैक्ट नहीं है ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे बेस्ड था ओके सेकंड सेकेंड ईयर प्लान इंडस्ट्री बेस्ड सेकंड ईयर प्लान तो ये सारी चीज आपके दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए उसको रिवाइज कीजिए और अभी काफी टाइम है आप 10 दिनों में इसकी तैयारी कर सकते हैं ओके और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें मुझे बहुत कम कॉमेंट मिले हैं सीयूटी यूजी देने वाले स्टूडेंट के मुझे ज्यादा पीजी के अपने स्टूडेंट के मिलते हैं मैं सुनना चाहता हूं उनकी जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं आपको कैसा लग रहा है वीडियो आप क्या चाहते हैं अभी मुझे और दस करीब वीडियो बनाने हैं आपके लिए पूरी चैप्टर खत्म होगी मैं और इसमें आपके बातों को कोमडेट कर सकता हूं बताइए मुझे आपको क्या चाहिए और इस तरह से आप मुझसे जुड़िए मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा आप मुझे मेल लिखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बी हैप्पी रिमेन गुड हेल्दी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ